अनुच्छेद 243 यह छह निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 243 यह छह इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी का अनुच्छेद 243 यह के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्परित किसी ऐसी विधि की विधि मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित है किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं की जाएगी। ख किसी नगरपालिका के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रसंगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए अन्यथा नहीं। भाग 9 ख सहकारी सोसाइटियां अनुच्छेद 243 यज इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा परिभाषाएं अनुच्छेद 243 यज परिभाषाएं अनुच्छेद 243 यज इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो क प्राधिकृत व्यक्ति से अनुच्छेद 243 यथ में इस रूप में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। ख बोर्ड से किसी सहकारी सोसाइटी का निदेशक बोर्ड या शासी निकाय चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो जिसके किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का निदेशन और नियंत्रण सौंपा गया हो अभिप्रेत है। ग सहकारी सोसाइटी से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है। घ बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो ऐसी सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है। अंग पदाधिकारी से किसी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति सचिव या कोषाध्यक्ष अभिप्रेत है और जिसमें किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है। रजिस्ट्रार से बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय रजिस्ट्रार और सहकारी सोसाइटियों के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है। छह राज्य अधिनियम से किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि अभिप्रेत है। ज राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका संपूर्ण राज्य पर विस्तारित अपना प्रचलन क्षेत्र है और जिसको किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि में उस रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 243 यज सहकारी सोसाइटियों का निगमन। अनुच्छेद 243 यज इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा
स्वैच्छिक विरचना, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी और स्वशासी कार्यकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी सोसाइटियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन के संबंध में उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 या बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि। अनुच्छेद 243 या एक बोर्ड में उतनी संख्या ही निदेशक होंगे जितने राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं, परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। परंतु यह और कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में जो सदस्यों के रूप में वैष्ठियों से मिलकर बनी हो और उनमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा स्त्रियों के वर्ग या प्रवर्ग से सदस्यों हो, एक स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और दो स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित करेगा। दो, बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों तथा उसके पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड की अवधि के साथ सहवासनी होगी, परंतु बोर्ड की आकस्मिक रिक्ति को नाम निर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है भर सकेगा। यदि बोर्ड की पदावधि उसकी मूल पदावधि के आधे से कम है। 3, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ऐसी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्यों के रूप में बैंककारी, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र, मैं अनुभव रखने वाले या सहकारी सोसाइटी के उद्देश्यों और उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले बोर्ड के सदस्य होने वाले व्यक्तियों को सहयोजित करने के लिए उपबंध कर सकेगा। परंतु ऐसे सहयोजित सदस्य खंड 1 के पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट 21 निदेशकों के अतिरिक्त 2 से अधिक नहीं होंगे। परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को ऐसे सदस्य के रूप में उनकी हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मतदान कराने का या बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का अधिकार नहीं होगा। परंतु यह भी कि किसी सहकारी सोसाइटी के कृत्यकारी निदेशक बोर्ड के सदस्य भी होंगे और ऐसे सदस्यों को खंड 1 के पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट कुल निदेशकों की कुल संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।